Welcome back, class 12th. We are discussing chapter 10. Today, this is the fifth part of our chapter, and dematerialization and depositories is the topic which we are discussing today. All trading in securities is now done through computer terminals. Since all systems are computerized, buying and selling of securities are settled through an electronic book entry form, and this is mainly done to eliminate problems like theft, fake, forged, ट्रांसफ़र मीन्स जाली ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र डीलेस एंड पेपर वर्क एसोसिएटेड विद शेयर सर्टिफिकेट और डिबेंचर्स हेल्ड इन फिज़िकल फॉर्म. सो इन सारी प्रॉब्लम्स से uh, बचने के लिए जो शेयर्स uh, जो हैं वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं बिकॉज फिजिकल फॉर्म जो है शेयर का जो सर्टिफिकेट है वो कोई चुरा सकता है उसका कोई नकली बना सकता है या आ, उसको पहुंचने में डीले हो सकती है ठीक है कोई भी रीज़न हो सकता है सो दिस इज डी मटेरियलाइजेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस वेयर सिक्योरिटी इज हेल्ड बाई द इन्वेस्टर इन द फिजिकल फॉर्म आर कैंसल्ड एंड द इन्वेस्टर इज गिवेन एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री और नंबर सो दैट शी और ही कैन होल्ड इट एज एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन एन अकाउंट ओके as we keep money in digital cash form uh, where we need not to carry money with us in physical form and we can um, make payment electronically in the same way uh, shares are kept in electronic formats so this process of holding securities is an electronic form is called dematerialization for this the investor has to open a demate account with an organization is called depository ओके okay, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है इन फैक्ट नाउ ऑल इनिशियल पब्लिक ऑफर्स आई पी ओज आर इशूड इन डी मटीरियलाइजेशन फॉर्म एंड मोर देन नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ टर्न ओवर इज सेटल्ड बाई डिलीवरी इन द डीमेट फॉर्म ये मोर देन नाइन्टी नाइन परसेंट है मीन्स ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट जो टर्न ओवर है से जो शेयर का टर्न ओवर है वो डीमेट फॉर्म में ही होता है And the Securities and Exchange Board of India, SEBI, has made it mandatory for the settlement procedure to take place in demate form in certain select securities. So SEBI ye compulsory. Kiya hai. SEBI is the highest uh, agency which keeps an eye on all the stock exchanges of our country. होल्डिंग शेयर्स इन इट्स डीमेट फॉर्म इज़ वेरी कन्वीनियंट एज़ इट इज़ जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट जैसे बैंक अकाउंट है वैसे ही डीमेट अकाउंट होता है फिजिकल शेयर्स कैन बी converted into इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स कैन बी reconverted into फिजिकल सर्टिफिकेट उनको प्रिंट करा लिया तो वो फिजिकल सर्टिफिकेट में आ गए ठीक है जब उनको प्रिंट करा लेते हैं और वो फिजिकल फॉर्म में आ जाते हैं उसको कहते हैं री मटीरियलाइजेशन ओके okay. डी मटेरियलाइजेशन एनेबल्स शेयर्स टू बी ट्रांसफर टू सम अदर अकाउंट जस्ट लाइक कैश एंड एंश्योर सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रेड्स थ्रू अ सिंगल अकाउंट इन शेयर्स आज अगर आपके पास सपोर्ज़ टेन कंपनीज के शेयर हैं तो आपको अलग अलग टेन डीमेट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक डीमेट अकाउंट सारे कंपनी के सारे तरह के जो शेयर है वो होल्ड कर सकता है दीज डीमिट सिक्योरिटीज कैन इवन बी प्लेस्ड और हाइपोटिकेटेड टू गेट लोन्स इसको लोन uh, लेने के लिए भी इसको कंसीडर किया जा सकता है इफ़ यू हैव शेयर्स इफ यू नॉट हैव कैश और इफ़ यू नॉट हैव एनी अदर एसेट टू कीप मॉर्गेज बट इफ़ यू आर इन नीड ऑफ लोन देन यू कैन गेट लोन ऑन द बेसिस ऑफ दिस टीमेट अकाउंट ऑल्सो देर इज नो डेंजर ऑफ लॉस Theft or forgery to share certificates. It is the broker's responsibility to credit the investor's account with the current number of shares. Okay, credit करने की responsibility broker की होती है जिससे आप deal करते हैं. Okay, अब देखते हैं D में जो system है उसकी working कैसे है. So डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है जो जैसे दो डीपी हैं दो डिपॉजिटरी हैं इंडिया में दो डिपॉजिटरी हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल तो अब ये डिपॉजिटरी के पास डायरेक्ट हम डिपॉजिट नहीं करते शेयर्स बल्कि ये जो डिपॉजिटरीज होती हैं ये बैंक को अपना एजेंट बनाती हैं जैसे एनएसडीएल है तो उसका एजेंट कोई भी बैंक हो सकता है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है या फिर आ, कोई भी ब्रोकर हो सकता है ठीक है तो इनमें से जो भी इन्हें इन्हें स्टील की एजेंसी लेता है उसके पास हम बैंक के पास भी डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं हम किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास भी खोल सकते हैं और हम किसी शेयर ब्रोकर के पास भी हम डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं डिपॉजिटरी तो ये जो एजेंट जो हुए लाइक बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ब्रोकर uh, ये क्या कहलाते हैं डिपोजिट्री पार्टिसिपेंट कहलाते हैं आइदर अ बैंक अ ब्रोकर और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में भी आइडेंटिफाइड एंड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड डॉक्यूमेंटेशन लाइक पैन कार्ड डिटेल्स फोटोग्राफ्स पावर ऑफ अटॉर्नी में भी कंप्लीटेड बिकॉज आप जब डीमेट uh, अकाउंट खोल रहे हो तो पैन कार्ड फोटोग्राफ ये जो डिटेल्स हैं ये आपको फुलफिल करनी ही होंगी देन द फिजिकल सर्टिफिकेट इज टू बी गिवन टू द डी पी अलोंग विद द डी मटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म ओके फिजिकल सर्टिफिकेट आपका बैंक के पास जो होता है वो uh, वो बैंक फिर वो डीमेट uh, अकाउंट में उसका ट्रांसफर कर देता है इफ़ शेयर्स आर अप्लाइड इन अ पब्लिक ऑफर देन सिंपल डिटेल्स ऑफ अ डीपी एंड डीमेट अकाउंट आर टू बी गिवन

उतने शेयर्स आपके डिमिट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे ऑल द ब्रोकर देन रिसीव पेमेंट एंड द परस पे द पर्सन फॉर द शेयर्स सोल्ड ठीक है ब्रोकर पेमेंट रिसीव करेगा और उसके बाद में उस पर्सन को पेमेंट करेगा जिसने शेयर्स सेल किए हैं ऑल दीज ट्रांजेक्शन आर टू बी कम्प्लीटेड विद इन टू डेज बिकॉज ये हमने देखा ही है कि 2003 के बाद में ये जो रोलिंग सेटलमेंट वाला जो सिस्टम एप्लीकेबल हो गया है मीन्स ट्रेडिंग डे से दो दिन के अंदर अंदर सारा सेटलमेंट कम्प्लीट हो जाएगा सो डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट रिसीव फ्रॉम द बायर इज ऑन अ टी प्लस टू बेसिस टी प्लस टू जो है वो सेटलमेंट पीरियड होता है ओके सो दिस वर्किंग ऑफ डीमेट सिस्टम ऑल्सो कैन बी आस्ट चिल्ड्रन अब बात करते हैं डिपॉजिटरी कौन कौन सी है जैसे मैंने बताया कि बैंक जैसे मनी रखता है बैंक में जस्ट लाइक अ बैंक कीप्स मनी इन सेफ कस्टडी फॉर कस्टमर्स अ डिपॉजिटरी ऑल्सो लाइक अ बैंक एंड कीप सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर

और ट्रांसफ़र और फॉर्म्स एक्सेट्रा ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स आर सेटल्ड विद ग्रेटर स्पीड एफिशियंसी एंड यूज एज ऑल सिक्योरिटीज़ आर एंटर्ड इन अ बुक एंट्री मोड बुक एंट्री मोड की तरह से वो सारे जो भी ट्रांजेक्शन वो हैं वो उसमें एंटर हो जाते हैं ओके okay, या तो सिक्योरिटीज डेबिट हो जाएंगी या सिक्योरिटीज क्रेडिट हो जाएंगी सो इन इंडिया देर आर टू डिपॉजिटरीज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड Means NSDL is the first and largest depository presently operational in India. Okay? It was promoted as a joint venture of IDBI, UTI, and the National Stock Exchange. Then the CDSL, Central Depository Services Limited, is the second depository to commence operations and was promoted by Bombay Stock Exchange. Okay? Jo NSDL is the National Stock Exchange. उसका प्रमोटर है और सी का प्रमोटर है बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड बैंक ऑफ इंडिया बोथ दिस नेशनल लेवल डिपोजिटरीज ऑपरेट थ्रू इंटरमीडियट हु आर इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड टू द डिपॉजिटरी एंड सर्व एज ए कॉन्टेक्ट पॉइंट विद इन्वेस्टर एंड आर कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ठीक है इन डिपॉजिटरी से जो भी बैंक uh, हुए या जो भी ब्रोकर्स uh, हुए या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुए तो वो सारे के सारे जो भी कनेक्टेड रहते हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहलाते हैं द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्व एज एन इंटरमीडिएट सर्विस बिटवीन द इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी हु इज ऑथोराइज टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ डी मटेरियलाइज्ड शेयर्स ठीक है डी मटेरियलाइज शेयर को जो अकाउंट मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स क्लियरिंग कॉरपोरेशंस स्टॉक ब्रोकर्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस आर परमिटेड टू बिकम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इफ द इन्वेस्टर इज बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज थ्रू द ब्रोकर और बैंक अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन इट एक्ट्स एज ए डी पी फॉर द इन्वेस्टर एंड कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज सो हियर आर डिपॉजिटरी टॉपिक इन्स Now, children, here in this NCRT book, uh, here NSE uh, topic is given. NSE means National Stock Exchange. This topic is given, but this is not there in your course. Okay. So, let's move forward. And now, let us discuss the stock market indices uh, given here in this box. It is important. Okay. It may be asked as this year uh, CBSE has cleared.

दैट आर रिप्रजेंटेटिव ऑफ द मार्केट मार्केट में सपोज एक हज़ार अगर कंपनीज लिस्टेड हैं एक हज़ार तो मैं बहुत कम बता रही हूँ सपोज टेन थाउजेंड कंपनीज आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज तो सारे टेन थाउजेंड कंपनीज के शेयर्स में आ, एक दिन में डीलिंग हो ये ज़रूरी नहीं है तो उसमें क्या होता है जो टॉप कंपनीज़ होती हैं ठीक है अब टॉप कितनी कंपनीज़ को एक बेसिस माना जाए तो जैसे बी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें टॉप थर्टी कंपनीज को आ, के जो इंडाइसिस हैं के जो शेयर पैटर्न हैं शेयर प्राइसेस हैं उनको बेसिस माना जाता है और वो कहलाता है सेंसेक्स सेंसेक्स ठीक है सेंसेक्स को अगर हम ब्रेक करें तो इसका मतलब है सेंसिटिव इंडेक्स ठीक है सेंसिटिव मीन्स तो सेंसिटिव इंडेक्स क्या है कि जो टॉप थर्टी कंपनीज के जो मार्केट uh, प्राइसेज uh, होती हैं शेयर प्राइसेज होती हैं शेयर की जो मार्केट प्राइसेस होती है उसको वो शो करता है तो अगर टॉप थर्टी कंपनीज के शेयर प्राइसेज अगर इंक्रीज़ होते हैं तो ये कहा जाता है कि सेंसेक्स बढ़ा सेंसेक्स ऊपर चढ़ा और अगर टॉप थर्टी कंपनीज के शेयर प्राइसेस अगर डिक्रीज़ होते हैं तो फिर ये कहा जाता है सेंसेक्स में गिरावट आई ओके सो स्टॉक मार्केट इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स मार्केट डायरेक्शन एंड इंडिकेट्स डे टू डे फ्लक्चुएशंस इन स्टॉक प्राइसेस इन इंडेक्स आइडियल इंडेक्स मस्ट रिप्रेजेंट चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज एंड रिफ्लेक्ट प्राइस मूवमेंट ऑफ टिपिकल शेयर्स फॉर मार्केट representation इन द इंडियन markets बी एस सी बी एस सी में सेंसेक्स है और एन एस सी में निफ्टी है मीन्स जो टॉप फिफ्टी कंपनीज हैं टॉप फिफ्टी कंपनीज हैं और सेंसेक्स में कितनी आती हैं टॉप थर्टी कंपनीज ठीक है companies, उनके शेयर उन टॉप थर्टी कंपनीज के शेयर प्राइसेस को बेसिस मानते हुए कहा जाता है सेंसेक्स में गिरावट आई या सेंसेक्स ऊपर चढ़ा इसी तरह से निफ्टी ऊपर चढ़ा या नि, निफ्टी में गिरावट आई इस तरह से इसको um, तो इस तरह से uh, इसे प्रोडेक्ट uh, किया जाता है सम इम्पॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट इंडाइसेस आर फर्स्ट इज डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इन यूएस इट इज द ओल्डेस्ट कोटेड स्टॉक मार्केट इंडेक्स देन नेस्डेक नेस्डेक विच इज इन न्यूयॉर्क It, a, it is a composite index is the market capitalization weightage of prices for stocks listed in nasdaq market. then s &P 500 index made up of 500 biggest publicly traded companies in the u.s. Okay? the s p 500 uh, are often treated as a proxy for u.s. stock market. Okay? S &P stock market को भी बहुत ज़्यादा अच्छा जाता US माना जाता है यू एस स्टॉक मार्केट का प्रॉक्सी माना जाता है यू एस स्टॉक मार्केट की पोजिशन के लिए एस एम पी स्टॉक मार्केट को ज़रूर रेफर किया जाता है देन एफ टी एस सी हंड्रेड कंस हंड्रेड है मीन्स यहाँ पे टॉप हंड्रेड कंपनीज के शेयर प्राइसेस को यहाँ पे देखा जाता है इट कंसिस्ट ऑफ लार्जेस्ट हंड्रेड कंपनीज़ बाय फुल मार्केट वैल्यू लिस्टेड ऑन द लंडन स्टॉक एक्सचेंज ओके देन द एफ टी एस हंड्रेड इज़ द बेंच मार्क इंडेक्स ऑफ यूरोपियन मार्केट बेंच मार्क इंडेक्स है मींस जैसे एफ टी एस हंड्रेड इतना ज़्यादा पॉपुलर और इतना वहाँ पे गुटबल उसकी इतनी अच्छी है कि यूरोपियन मार्केट की अगर यूरोपियन शेयर मार्केट का अगर हमें पैटर्न देखना हो तो उसमें एफ टी एस हंड्रेड को अगर हम देख लें तो हमें आइडिया मिल जाएगा now let us discuss some common stock market terms. it also can be asked in exam. so first is bourses. bourses is the another word of for the stock market. okay, what do you mean by bourses? so it can be asked in one marker. second is bulls and bears. so it does not uh, refer to any animal, but it refers to market sentiment of the investors. a bullish phase. रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ ऑप्टिमिज़्म एंड अ बियरश फेज टू अ पीरियड ऑफ पेसीमिज़्म ऑन द बुरसिस ठीक है जो बुरसिस मीन्स जो स्टॉक मार्केट में पेसीमिज़म पीरियड चल रहा है या ऑप्टिमिज्म वाला पीरियड चल रहा है ऑप्टिमिज़म वाला है इट मीन्स कि नीयर फ्यूचर में शेयर की प्राइस इंक्रीज़ होने वाली हैं ठीक है थीके? तो आ, जब इंक्रीज होंगी शेयर की प्राइसिस तो उसे सेल किया जाएगा ठीक है बट अभी जैसे पेसिमिज्म अगर वाला फेज चल रहा है देन ऑल विल स्टार्ट सेलिंग देयर शेयर्स नाउ ओनली ठीक है वो एट प्रेजेंट में ही शेयर्स सेल करना वो स्टार्ट कर देंगे बिकॉज वो पैसिमिजम फेज़ uh, के uh, अगर वो ऑप्ट करते हैं वो पैसेमिस्ट थ्योरी है वो पैसिमिस्ट हैं कि नियर फ्यूचर में शेयर की प्राइसेस डिक्रीज़ होने वाली है ठीक है इसलिए वो प्रेजेंट में ही शेयर्स को सेल करना स्टार्ट कर देंगे देन बदला बदला मीन्स टू कैरी फॉरवर्ड सिस्टम ऑफ सेटलमेंट ठीक है सेटलमेंट जो हो रहा है उसको कैरी फॉरवर्ड करना जैसे uh, पर्टिकुलरली बी एस सी इट इज़ अ फैसिलिटी दैट अलाउज द पोस्टपोनमेंट ऑफ डिलीवरी और पेमेंट ठीक है कि दो दिन बाद पेमेंट नहीं अभी आज एक महीने बाद या फिफ्टीन डेज के बाद पेमेंट किया जाएगा कुछ पेमेंट शेयर का भी पेमेंट हो सकता है और कैश का भी पेमेंट हो सकता है सो पोस्टपोनमेंट ऑफ डिलीवरी और पेमेंट ऑफ अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू अनादर इसको कहते हैं बदला मीन्स कैरी फॉरवर्ड अ ट्रांजेक्शन then odd lot trading और lot trading means trading in multiples of हंड्रेड stocks or less means जैसे एक lot की trading होती है जैसे एक एक share की trading नहीं होती है जैसे कि एक lot sell किया ठीक है अब एक lot में वो आ, हो सकता है 50 shares हो सकते हैं या हो सकता है टेन शेयर्स हो सकते हैं या फिफ्टीन शेयर्स हो सकते हैं है, जितना भी चाहे ओके okay, वो हर एक कंपनी का लॉट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है ठीक तो है तो ट्रेडिंग इन मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड स्टॉक्स और लेस वो ऑड लॉट ट्रेडिंग मीन्स उसमें हंड्रेड स्टॉक हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं देन पेनी स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स मीन्स दीज आर सिक्योरिटीज दैट हैव नो वैल्यू ऑन द स्टॉक एक्सचेंज बट हुज ट्रेडिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू स्पेक्यूलेशंस ठीक है थीके? थीके? स्पेक्यूलेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो पेनी स्टॉक्स मीन्स वो चाहे वो टॉप थर्टी में जैसे सेंसेक्स में थर्टी कंपनीज को लिया जाता है तो वो टॉप थर्टी में नहीं आती बट उनका वो जो उनकी जो ट्रेडिंग है वो स्पेक्यूलेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो वो कहलाते हैं पेनी स्टॉक्स नाउलेट ए स्टॉक अबाउट सेंसेक्स सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है ठीक है और वो इसको मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको अगर हम ब्रेक करें तो सेंसेक्स का मतलब है सेंसिटिव इंडेक्स सो काउंटेड द सेंसेक्स इज द बेंच मार्क इंडेक्स ऑफ द बी एस सी सिंस द बी एस सी हैज बीन लीडिंग एक्सचेंज ऑफ इंडियन सेकेंडरी मार्केट ठीक है सेकेंडरी मार्केट मीन्स स्टॉक मार्केट प्राइमरी मार्केट वो होता है जहाँ पे फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू होती हैं पर हम अभी बात कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट की द सेंसेक्स हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट इट इज द मोस्ट फ्रीकुंटली यूज इंडिकेटर वेल रिपोर्टिंग ऑन द स्टेट ऑफ द मार्केट एन इंडेक्स हैज़ जस्ट वन जॉब टू कैप्चर द प्राइस मूवमेंट सो अ स्टॉक एक्सचेंज विल रिफ्लेक्ट द प्राइस मूवमेंट ऑफ शेयर्स वाइल बॉन्ड इंडेक्स कैप्चर्स द मैनर इन विच बॉन्ड प्राइस को अप और डाउन ठीक है शेयर इंडेक्स है या स्टॉक इंडेक्स है तो उसमें शेयर्स की प्राइसिस रिफ्लेक्ट होंगी बट अगर बॉन्ड इंडेक्स है तो उसमें बॉन्ड की प्राइसेस रिफ्लेक्ट होंगी कि बॉन्ड्स जितने भी जो इशूड बॉन्ड हैं उनकी प्राइस इंक्रीज हो रही हैं या उनकी प्राइसिस डिक्रीज हो रही है तो इफ़ सेंस राइज इट इंडिकेट्स द मार्केट इज डूइंग वेल Since stocks are supposed to reflect what companies expect to earn in the future. A rising index indicates that investors expect better earnings from companies. And it is also a measure of the state of the Indian economy. If Indian companies are expected to do well, obviously the economy should do well too. Okay. But in, in just launched in 1986 एटी इज़ मेड अप ऑफ टॉप 30 कंपनीज मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स इन द मार्केट ये हो सकता है जैसे आज अगर कोई टॉप 30 कंपनीज हैं तो कल भी वही टॉप 30 कंपनीज हुई ज़रूरी नहीं है हो सकता है नेक्स्ट डे कोई कुछ और कंपनीज उन टॉप 30 कंपनीज में ऐड हो जाएं और कुछ कंपनीज टॉप 30 कम्पनीज़ से बाहर हो जाएँ ठीक है तो इसी सेंसेक्स हर रोज़ चेंज होता है इनफैक्ट दे अकाउंट फॉर हाफ द बी एस सीज मार्केट कैपिटलाइजेशन ठीक है इसीलिए वो टॉप थर्टी कम्पनीज़ को लिया जाता है कि जो बी एस सी का जितना भी मार्केट वैल्यू है मार्केट में जितनी भी कैपिटल है उन में से जो टॉप थर्टी कंपनीज वो फिफ्टी परसेंट कैपिटल होल्ड किए हुए होती है दे रिप्रजेंट थर्टीन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड आर लीडर्स इन देयर रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज उसमें कुछ कंपनीज आपकी सॉफ्टवेयर uh, की हो सकती हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की हो सकती है कुछ आपकी मेडिकल की हो सकती हैं तो उन टॉप थर्टी कंपनीज में ये जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर की ही कंपनी आ जाए यहाँ पे बताए ना दे रिप्रेजेंट थर्टीन सेक्टर्स ऑफ द इकनॉमी नाउ द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज लेफ्ट चिल्ड्रन दैट इज सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट वीडियो टिल देन Goodbye. Stay safe.